नमस्कार, आप फिर देख रहे हैं सोनपुर का घोड़ा बाजार। यहाँ पर एक बेहतर घोड़ा और दिख गया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसकी खासियत क्या है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, घोड़ा है ना, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि खासियत इसकी हम लोगों को तो एक बराबर सब दिखने को मिलता है, लेकिन इसमें खासियत है ये बात इन्हीं के जो यहाँ पर जो इसके पालक हैं, जो इनके किसान हैं, उनसे हम जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको शेयर भी करिए। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू कुमार जादव। गुड्डू जी, अच्छा गुड्डू जी, ये घोड़ा जो है आपने बताया कि बहुत खास है, विशेष है, क्या क्या खासियत है इसमें अगर बताइए। खासियत हम लोग बच्चा लेते हैं, तैयार करते हैं उसको, रेस के लिए तैयार करते हैं। इस घोड़े में क्या क्या खासियत है? खासियत है 30 चलती है, रफ्तार इसका चाल में कदमबाजी 30 है। 30 है, 30 मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा? हाँ हाँ हाँ, ये चलेगा जी जी। अच्छा, कितना घंटा तक चल सकता है एक बार में अगर चलाया जाए तो? अभी तो जीव है ना, मतलब अब इसके हिसाब से मालिक समझ सकता है कि मेरा इतना चल सकता है, मालिक समझ सकता है। अच्छा, इसमें देखते हैं कि यहाँ पर एक चंदन टाट भी लगा हुआ है, व्हाइट जरूरी है, ये जरूरी है। देखिए तीनों का होगा, ये क्या है इसमें, इसमें कुछ इसका नेचुरल है? हाँ हाँ, ये जरूरी है, मतलब मर्दाना का मोह जरूरी है। नेचुरल है या आपने कलर किया है? नहीं नहीं नहीं, बचपन पैदा ही लेता है, वैसा पैदा ही लेता है। और दिखाइए आगे पीछे, मारेगा नहीं ना? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिएगा घोड़ा का जो लंबाई चौड़ाई जो है ना, आपको देखने में बड़ा पसंद आता है, आपको वीडियो में भी दिख ही रहा होगा। और हम तो कभी खैर इस पर कभी चढ़े नहीं है ना, चढ़ने आता है। आप इस पर घोड़सवारी करते हैं? जी जी, खूब बढ़िया से। अच्छा, कितना दिन से आप घोड़सवारी कर रहे हैं इसमें? करीब 10 साल। 10 साल से मेरा 20 उम्र हो रहा है, 20-21, हम 10 साल के थे तो 10 साल से घोड़सवारी कर रहे हैं। कभी गिरबो किए हैं? रेस उसमें गिर ही जाते हैं एक आध बार। रेस होता है तो सब बाजी लगाता है कि हम आगे हो जाए, हम आगे हो जाए। अच्छा, उसमें कहीं बिछिल भी जाना पड़ता है। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दानापुर, दानापुर पटना, दानापुर। और घोड़ा है आपके पास? मेरा वो है रेस जी। अभी तो बड़ा मुस्कुरा के बात कर रहे थे आप, कैमरा पर बोल नहीं रहे, थोड़ा सा हंसिए, मुस्कुराइए, कॉमेडी कुछ बताइए। देखिए मैं बताना चाहूँगा, बड़े दिल खुश और हंसमुख किसान मिले थे, इसलिए मैंने इनसे आपको रूबरू कराने का प्रयास किया। ये देखिए, ये भी एक घोड़ा काटेगा नहीं ना? नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ इसका? इसका राजलक्ष्मी नाम हुआ। राजलक्ष्मी, अच्छा घोड़ी है ये जी। अच्छा, ये कितने की है आपके यहाँ? ये 355 इसका मांग रहा है। तो इस बार मतलब बेचने आए हैं या घुड़सवारी के लिए यहाँ पर लाए? नहीं, इसका प्रदर्शनी के लिए लाए। प्रदर्शनी के लिए? इसको बेचना नहीं, नहीं है। पहले अवार्ड जीता हुआ है कभी? फोटो दिखा क्या? कहाँ का? हाँ दिखाइएगा, आप शेयर करेंगे। मोबाइल आइए। हाँ हाँ, जीता है इसका, दिखाते हैं। सोनपुर में ही जीता है? नहीं, सोनपुर में तो नहीं जीता, लेकिन मेरा इलाका में, मेरा गांव में, हाँ ये जीता हुआ। चलिए इस वीडियो इसको शेयर करेंगे, हम आपके स्क्रीन पर दिखा देंगे। ये इसका घुड़सवारी में जो है ना, ये रेस इसने जीता है। राज लक्ष्मी इसका नाम है, नाम बहुत बढ़िया है। बचपन से इसको पाल रखे? हाँ हाँ, इसको 10 महीने का बच्चा लाए थे। अच्छा, 10 महीने का बच्चा लाए थे जी। इसको देखिए यहाँ, यही घोड़ा है। हाँ देखिए, सील लेते हुए है, हम हैं यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, चलिए तो इस तरह से हम दर्शकों को भी, इसको एक देखिए, दर्शकों को भी दिखा देना, दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। और मैं स्क्रीन पर आपको ना इनका जो फोटो है, इनका फोटो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। दानापुर से हैं और ये घुड़सवारी करने में मज़ा से घुड़सवारी करते हैं, रेस भी इसने जीता है। और ये है राज लक्ष्मी, इसकी खासियत जो है वो क्या क्या है इसमें? कलर वलर को, नस्ल कौन सी है ये? ये मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी नस्ल है, बेहतर घोड़ा है। चलिए, और ये इनके पास 3 घोड़ा है। और इस तरह से ना बहुत ही, अभी अभी कुछ आप कॉमेडी भी बड़ा बढ़िया कर रहे थे, क्या क्या कुछ कर रहे थे इसमें? बाबा का गमछा ले रहे थे, क्या क्या कर रहे थे? कॉमेडी, हम बहुत कॉमेडी आदमी हैं। हाँ, बहुत कॉमेडी। तो कुछ करके दिखाइए हमारे दर्शकों को। नहीं ठीक है, वो तो ठीक है, और लोग आपस में कॉमेडी करते रहते हैं। अगर मैं बता दूं सही बात, नहीं बाबा का ये कुर्ता इन्होंने ले लिया है जबरदस्ती में, कहे बाबा पैसा तो नहीं ना है कुर्ता में, और ये लेकर पहन लिया कि हम आते हैं इसमें, क्या दूसरे का कुर्ता पहन लिए? हाँ, मेरे चाचा जी है। चाचा जी है, तो चाचा से भी मजाक करते रहते? हाँ हाँ, तो धरती पर है सब करेंगे मजाक। अरे वाह, चलिए यही होती है जिसको कहते हैं ना कि बेहतर। इसको भी बेचना है, अगर इसको न्यूज पे डाल दीजिएगा, इसका 15,000 रुपया दाम है, अगर कोई ले जाए तो ले जाए, हम प्रदर्शनी के लिए इसको लाए थे। इसको इसका 15,000 क्यों दाम है इसका? 5 लाख का घोड़ा है। हाँ लेकिन धन में आग लगा रहे हैं हम। क्यों? बस लगा रहे हैं। अरे देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, समाज में नहीं, मतलब रेस के लिए इसको लिए थे और रेस कभी जीता नहीं। अच्छा, बस खाली खा रहा है, हग रहा है। देखिए मैं नहीं कहना चाहूँगा ऐसे, हर 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 एक जानवर का भी अपनी एक अहमियत है। देखिए घोड़ा दिखने में तो सुंदर लग रहा है, हम उसको क्यों नहीं शिकायत किए? हाँ, इसका क्यों नहीं शिकायत किए? हाँ, इसको काहे कर रहे हैं? हाँ हाँ, तीनों है, मान लो वो बच्चा किराया था तो 60-65 के, यू 50-55 के, वो भी किराया था 65 में बच्चा। हाँ,
सब छोटा छोटा किराया, ये नहीं चल रहा है। हाँ। ऐसे अगर आपको खरीदना है ना घोड़ा, अगर शौक से दरवाजे पर रखना है, दिखने में सुंदर है, और ये नंबर पर बताना चाहते हैं, बताइए नंबर अपना क्या है, बता दीजिए दर्शकों। 620-53-52-26-3 गुड्डू लाल जादव, दानापुर, पटना जी। तो देखिए इनका ये नंबर है, और मैं आपके स्क्रीन पर इनका नंबर लिख भी देता हूँ। अगर आपको इनसे घोड़ा खरीदना है, आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। गुड्डू लाल यादव है, और गाय भी हम जरुआ में, रौजा, मधौल, ये सब में गाय भी मेरा जाती है। चलिए इनसे मिलिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा चौपाल समाचार के जो दर्शक है, आप बुद्धिजीवी है, आप आइए स्वयं देखिए परखिए और फिर जाकर खरीदिए। ऐसी बात नहीं कि चौपाल समाचार रिकमेंड कर रहा है, हम आपको सूचना दे रहे हैं, और सूचना को आपको परखना दायित्व तो बनता है। आप अपने स्तर से भी आप उसको समझिए, परखिए, फिर खरीदिए। तो यही आज की बातें थी। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी आपका। नमस्ते, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। बहुत बाबा का कुर्ता लेकर होना चाहिए, कॉमेडी तो होना ही चाहिए। तो देखिए यही है बातें आज की, बड़ी कॉमेडी, और जिंदगी बेहतर होनी चाहिए। मुस्कुराते रहिए, इसी तरह चौपाल समाचार खबर दिखाता रहेगा। इस खबर को शेयर भी करिए, नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव, ग्राम, समाज और जो जनहित की खबर होती है, हम आपको दिखाते रहते हैं, ऐसी दिखाते रहेंगे, हमारी आशा है। आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।